ये है A51, सॉरी A50। इसमें कुछ एम्पेयर की शॉर्टेज आ रही है, ये देखिए स्पाइक भी लगाया। ये जैसे ही मैंने इसको लगाया और इससे एम्पेयर की शॉर्टेज आ रही है। वाटर डैमेज सेट है तो इसकी शॉर्टेज आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में हम इसको सारा पहले चेक करेंगे, ये वाटर डैमेज जो है ये कहाँ से है, ठीक है, जहाँ पे पानी लगा हुआ। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स जहाँ पे वाटर डैमेज हैं वहाँ से सारा चेक करते हैं। कोई एक इसमें कंपोनेंट ही शॉर्ट होगा, कोई आईसी वगैरह तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटर डैमेज हुआ है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। लाइन ओके है, यहाँ पे कहीं और वाटर डैमेज है, ये 4G आईसी के पास भी थोड़े से, ये भी ओके है। उसके बाद ये वाटर डैमेज और कहाँ पे है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कैमरे वाली साइड पे, तो यहाँ से भी थोड़ा सा वाटर डैमेज है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वाटर डैमेज है, ये यहाँ भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। ये एक कस्टर हमें एक शॉट नज़र आ रही है, देखिए ये दोनों तरफ बीप आ रही है इसकी, इधर भी इधर भी, आगे वाला, आगे वाला ओके है, ये आगे वाला, ये भी शॉट दे रहा है, ये भी शॉट आ रहा है, ये भी शॉट आ रहा है। तो ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये आईसी भी शॉर्ट हो सकता है और ये दोनों कंपोनेंट्स ही। तो माइक्रोस्कोप में मैं आपको ज़रा चेक कराता हूँ, ये देखिए माइक्रोस्कोप में, ये देखिए ये सारी आईसी भी शॉर्ट हो सकता है इसमें और कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम जो है कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे, आईसी को बाद में रिमूव करेंगे। तो बोर्नियो में भी हम चेक कर लेंगे कि ये आईसी जो है ये किस चीज़ का है, ठीक है। तो बोर्नियो यहाँ पे हमारा जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आईसी जो हमारा है ये तो कैमरे का आईसी है जो शॉर्ट हो रहा है, जिसकी लाइनें जो शॉर्ट आ रही हैं, देखें ये यहाँ से इसके कुछ वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, और ये तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हमारा जो है ये कैमरे का आईसी है। तो इसको यहाँ पे हम रिमूव करेंगे, रिबॉल करके चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट जो है क्लियर होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया इसको, ये हमारे कैमरे का आईसी है, फ्रंट कैमरे का आईसी, इसमें वोल्टेज इनपुट बूस्ट हो रहे हैं कुछ, और कंपोनेंट्स रिमूव किए हैं, कंपोनेंट्स मैंने दोनों चेक किए हैं, दोनों में रीडिंग ओके है, लेकिन कंपोनेंट्स शॉर्ट नहीं है। तो ये देखें अभी आईसी उतारी है, और आप नीचे की कंडीशन देखें, तो इसको भी हम करते हैं वॉश वगैरह और फिर देखते हैं कि शॉर्टेज क्लियर हुई है या नहीं हुई।
तो ये देखें अभी बीप नहीं आ रही। आईसी रिमूव किया है, बीप नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हमारा आईसी वाटर डैमेज की वजह से शॉर्ट हो गया था। ठीक है, तो ये कैमरे का फ्रंट कैमरे का आईसी है। तो अभी हम दोबारा इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं, अभी देखते हैं शॉर्टेज क्लियर हुई है या नहीं। सप्लाई पे लगाओ, सप्लाई पे लगाओ। इधर दिखाओ बोर्ड के साथ, ये देखें बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, उधर दिखाओ सप्लाई है, शॉर्टेज क्लियर होगी, 100% शॉर्टेज क्लियर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आईसी का क्या करना है, रीबोल करके लगाते हैं या चेंज करते हैं। ठीक है, शॉर्टेज हमारी क्लियर होगी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स भी हम दोबारा वापस लगा देंगे, आईसी को रीबोल करते हैं और रीबोल करके लगा के चेक करेंगे। ठीक हो गया, आईसी की कंडीशन देखें, अभी हम रीबोल करने लगे हैं, रीबोल करके दोबारा लगाएंगे, कंडीशन देखें वाटर डैमेज की वजह से इंशाल्लाह से ज़रूर कैमरा भी हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, रीबोल करते हैं, आईसी रीबोल होगी। ठीक है, देखें अब बोर्ड के पॉइंट वगैरह को साफ करते हैं और आईसी लगा के चेक करते हैं। आईसी के पॉइंट बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। आईसी भी रिबल हो गया, अभी दोबारा लगाते हैं, अभी शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन यह है कि आईसी के लगाने के बाद ये भी हम दोबारा चलेगा कि बोर्ड हमारा ओके हो गया। ये कैमरे का कोई आईसी लगा हुआ है इस पर छोटा सा, तो अभी हम यहाँ पे इसका आईसी लगाते हैं और चेक करते हैं। अब आईसी लगाते हैं और चेक करते हैं। आईसी जब भी लगा रहे हैं आपने इसके डायरेक्शन देख के लगाना है, अगर आपको नहीं पता तो आप बोर्नियो में चेक कर लें। ठीक है, वहाँ पे इसका डॉट आपको पता चल जाएगा, बोर्नियो जो है उसे आपके पास ही होना चाहिए। ये आईसी को हमने सेट किया, Thank you.
एसी सेट हो गया, टेम्परेचर अपना सेट करके हीट गन का, एयर सेट करके, छोटा एसी है तो आगे पीछे भी हो सकता है। बैटरी आई है अपनी जगह, देखो थोड़ा सा इसको लाएंगे, बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो गया। जब भी आई सी को चेक करना है यहाँ से थोड़ा सा हिला लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आई सी फिक्स हो चुका है, ठीक हो गया। ओके, बिल्कुल परफेक्ट आई सी लग चुका है, ठीक है। तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में यहाँ पे चेक कराता हूँ, ये देखिए लग गया। अगर आप कंपोनेंट्स भी लगाना चाहें तो तब भी आप लगा सकते हैं। तो अभी दोबारा से हम जो इसकी वो रीडिंग वगैरह चेक कर लेते हैं शॉर्टेज, तो मीटर से ही हम टेस्ट कर लेते हैं पहले से ही। यहाँ से हम मीटर ऑन किया, ग्राउंड इसको करेंगे और यहाँ से हम छोटे वाले पे पहले चेक करेंगे। देखिए इसमें बीप नहीं आ रही, मीटर चेक करो, रीडिंग आ रही है। ओके, दूसरी जो बीप आ रही है, अब दूसरे लाइन चेक करते हैं, रीडिंग आ रही है, मीटर चेक करो, रीडिंग आ रही है, दूसरी तरफ बीप आ रही है, ठीक है। यानी हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है, शॉर्टेज हमारी क्लियर हो गई है। अब हमने सिर्फ इसका कैमरा टेस्ट करना है, तो वो अभी इस पर पासवर्ड लगा हुआ है, कस्टमर का सेट है हमें पता नहीं है, तो वो जब आएगा तो आपको उसका कैमरा भी चेक करा देंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स भी हम वहाँ पे वापस ही लगा देंगे क्योंकि वो शॉर्ट तो नहीं है। कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे हम कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी, सुना।